हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है और वे दयालु और करुणा के सागर माने जाते हैं। जो भी भक्त उनकी सच्चे दिल से भक्ति करता है वो उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। वो चाहे कोई भी हो, दानव हो, देवता हो या हम जैसा कोई साधारण मनुष्य ही क्यों ना हो। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। शिव पुराण के अनुसार सोमवार को जो भी भक्त भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और सच्चे मन से व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि भक्तों को भी सावन के महीने का बेसब्री से इंतजार रहता है। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है और सावन के दौरान बारिश का मौसम भी होता है। चलिए जानते हैं भगवान शिव को जलार्पण क्यों प्रिय है और उसके बाद हम जानेंगे भगवान शिव की तीसरी आंख का रहस्य। एक बार जब देव और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो मंथन में समुद्र से विष निकला। उस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। विष के कारण उनके शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो देवताओं ने उन पर शीतल जल डालकर उनके ताप को शांत किया। तभी से भगवान शिव को जल अति प्रिय लगने लगा। आपने देखा होगा कई जगह बारिशों में शिवलिंग पानी में डूब जाते हैं। शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका रहता है जिससे बूंद बूंद जल टपकता रहता है, उसे जलाधारी कहते हैं। जहाँ भी प्राकृतिक शिवलिंग है वहाँ जल की धारा भी होती है। शिवजी के मस्तक पर चंद्रमा और गंगा मैया विराजमान हैं, जिनका संबंध भी जल से है। कैलाश पर्वत में चारों ओर बर्फ जमी रहती है और उसके पास मानसरोवर झील है। शिवजी को जल अति प्रिय है और शिवजी को चढ़ने वाले फूल पत्ते भी अधिकतर उस बारिश के मौसम में ही आते हैं। भगवान महादेव हम सब के पालनहार हैं और देवों के देव हैं। भगवान शिव को अनेकों बार रौद्र रूप में भी देखा गया है, इसलिए महादेव शिव का एक नाम रुद्र भी है। हम सभी जानते हैं देवों के देव महादेव के पास तीन नेत्र हैं। जब जब सृष्टि पर असुरों का पाप और अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और सृष्टि का विनाश कर देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख पहली बार सृष्टि को बचाने के लिए खोली थी। प्राचीन कथाओं में भगवान के त्रिनेत्र के रहस्यों के बारे में बताया गया है। इसका रहस्य बहुत ही बड़ा और गहरा है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं भगवान शिव से जुड़ा हुआ ये रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई एक वार्तालाप के बारे में बताते हैं और इस वार्तालाप में शिव जी के त्रिनेत्र के रहस्य के बारे में बताया गया है। नारद जी बताते हैं एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव एक सभा कर रहे थे जिसमें सभी देवता ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग शामिल थे। तभी सभा में माता पार्वती आई और उन्होंने भगवान शिव के दोनों नेत्रों को विश्राम देने के उद्देश्य से अपने हाथों से ढक दिया। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें ढकी पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। ऐसा लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व ही ना हो। इसके बाद धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। पूरे संसार की ये दशा भगवान शिव से देखी नहीं गई और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिपुंज प्रकट किया जो भगवान शिव की तीसरी आंख बनी और तुरंत पूरी सृष्टि में रोशनी हो गई। बाद में जब माता पार्वती ने इस तीसरी आंख के बारे में भगवान शिव से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता और उनकी आंखें ही जगत की पालनहार है।